भावलोक फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 6 आ चुका है और मुझे बड़ी उम्मीद थी इस एपिसोड से, क्योंकि लास्ट 5th एपिसोड भी रूखा सुखाई था। मेकर्स जबरदस्ती की स्टोरी खींचने का काम कर रहे हैं। पिछले एपिसोड तक तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन इस एपिसोड में सिर्फ 3-4 एलिमेंट ही मेन हैं और बाकी की चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी, जबरदस्ती की थी वो सब चीज़ें। चलो बात कर लेते हैं क्या क्या हमें मिला है इसमें, यानी इस एपिसोड में, और आगे की स्टोरी के लिए क्या क्या प्लॉट करके गया है ये वाला एपिसोड। लेकिन बाबा आपके सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, एक लाइक से सपोर्ट भरपूर बना के रखो। बाकी आज थोड़ा तबीयत डाउन है तो शायद वो एनर्जी आपको फील नहीं हो पाएगी जो हमेशा रहती है मेरी। शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है टैबिथा और जिम के सॉलिड आर्ग्यूमेंट के साथ और बहुत पावरफुल सीन था ये। मजा आया क्योंकि उनकी हेल्पलेस आर्ग्यूमेंट को देखा गया जो शो करता है इंटरनल डैमेजेस एंड टेंशन, क्योंकि अक्सर ऐसे वियर्ड सर्कमस्टेंसेस लोगों को अंदर से तोड़ देते हैं और यह जगह बार बार यही काम कर रही है उन्हें बुरी तरीके से तोड़ने का। नॉर्मल मियां बीवी जो लड़ाइयाँ होती हैं वही सब चलती हैं, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, और बस वही हस्बैंड एंड वाइफ स्टूपिड फाइट या बता दे मोमेंट देखने को मिलता है जो सॉलिड स्टार्ट था। बाकी उसके बाद टैबिथा का अपनी बेटी जूली के साथ कुछ मोमेंट दिखाया गया एंड देन स्टोरी का मेन पार्ट प्लॉट करता है जहाँ हमें बॉयड और जेड वो मिस्टीरियस ट्री की गुत्थी सुलझाते नजर आती है, जहाँ जेड पूरी कोशिश के साथ पजल सॉल्व आउट करने की फुल कोशिश कर रहा है एंड दिस मैन हैज अ वॉरियर स्किल। ये मजेदार करेक्टर है इस शो का। तभी बॉयड उसे एक और बॉटल ट्री के बारे में बताता है जहां बॉयड एंड सारा पहले ही घूमकर आ चुके हैं और बॉयड ने भी वहां पर्चियां देखी थी जिसमें एक मैसेज कैरी करता है, एक पर्ची 1864 करके, जो सेम जेड को भी फर्स्ट बॉटल ट्री से मिला था। लेकिन पॉटल सिर्फ फर्स्ट ट्री में है, सेकेंड ट्री में नहीं है, मतलब वो आने जाने का रास्ता। उसके बाद जे सेकंड बॉटल ट्री पर जाता है जंगल में वहाँ की पर्चियों को कलेक्ट करने और कोई लूप होल ढूंढने ताकि कुछ रास्ता निकल जाए, लेकिन वहाँ अगेन टॉम उसे मिलता है, यानी टॉम का भूत मिलता है जो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि एक्चुअली इस जगह के बारे में तुम क्या सोचते हो। बाकी पहलियों में ही इन दोनों की बातें चलती रहती हैं जहाँ टॉम उसे इंस्पायर ही करता है इस जगह को बीट डाउन करने के लिए। बाकी जेड काफ़ी फ्रस्ट्रेट है क्योंकि मिस्ट्री उसके सामने आती ही जा रही है पर इसका कोई रास्ता, कोई तोड़ नहीं निकल रहा है। दरअसल वो लाइट हाउस ढूंढने के लिए सेफ रास्ता ढूंढ रहा है क्योंकि पोर्टल ट्री से डेल ने कोशिश करी पर वो मारा गया, इसलिए वो रास्ता अब सेफ नहीं है। मतलब वही बात कि इनके पास मंजिल है वो लाइट हाउस से बाहर निकलने की, लेकिन उसके पहुंचने के लिए, मतलब वहां पहुंचने के लिए इनके पास रास्ता नहीं है। उसके बाद टाउन में बहुत सी मेडिकल सप्लाई आ चुकी है क्योंकि जो एम्बुलेंस अराइव हुई है उसमें काफ़ी मेडिसिंस हैं एंड अल्ट्रासाउंड मशीन भी है जिसका फर्स्ट इस्तेमाल फातिमा की प्रेगनेंसी को स्टेट जानने के लिए किया गया है, जहाँ फातिमा इससे पहले डरी हुई भी थी लेकिन एलिस ने काफ़ी समझाया और बॉयड को भी फातिमा का सच बताया, वो कैसे रिएक्ट करने लगी है आफ्टर दिस प्रेगनेंसी। और मैरी के क्लिनिक जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि फातिमा प्रेगनेंट है ही नहीं। द फकिंग शॉकिंग मोमेंट, और इससे भी बड़ा शॉक मोमेंट तब था जब एलजिन ने क्लिनिक निकलने से पहले फातिमा की फ़ोटो क्लिक करी थी वही कैमरे से जिसे वो बेसमेंट पर मिला था, लेकिन फातिमा की पिक में वही मुर्दा लड़की फिर दिखती है और इस बार तो एलजिन को हार्डली पीछे से पकड़कर बोला भी कि मेरी हेल्प करो, मैं तुम सबको यहाँ से इस जगह से बाहर निकलने में हेल्प करूँगी, बट द क्वेश्चन इज दैट कि इसे काहे की मदद चाहिए, यानी उस मुर्दा लड़की को, और यहाँ से कोई तो कनेक्शन फातिमा का इस मुर्दा के पीछे हो सकता है, वो देखेंगे आगे, क्योंकि फातिमा प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये कोई स्पेल है या फिर ये जगह फातिमा को कन्वर्ट कर रही है जो फातिमा इविल थिंग्स कर रही है बार बार, तो ब्रेकडाउन इन थ्योरी ड्रिवन वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस पार्ट पर, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लूप होल है। उसके बाद एक और मेन पार्ट इस एपिसोड का बिल्ड होते नजर आया है जहां विक्टर जैस्पर को ढूंढने फिर उसी केव या फिर टनल कह लो जाने की तैयारी कर रहा है जैस्पर को ढूंढने, क्योंकि लास्ट टाइम जैस्पर को विक्टर ने वहीं देखा था क्रिस्टोफर के साथ बात करते हुए, और इसका मानना है कि जैस्पर ही है जिसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है और वो हेल्प कर सकता है यहां से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद हेनरी भी बहुत रिक्वेस्ट करके विक्टर को ज्वाइन कर लेता है और वो दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं और उन्हें जैस्पर भी मिल जाता है, और वहीं इविल क्रिएचर लेडी मिलती है पर उसने विक्टर और उसके बाप पर हमला नहीं किया, कोशिश भी नहीं करी, उल्टा ऑफर दिया कि तुम बार बार आओगे तो हम तुम्हें यहीं रख लेंगे, वो फनी मोमेंट टाइप। बाकी जैस्पर मिल चुका है विक्टर को, अब देखते हैं कि क्या ये जैस्पर वाकई में विक्टर से बात करता है। खैर मैं एक्साइटेड हूँ इस पार्ट के लिए जहाँ हेनरी जैस्पर को सिर्फ एक टॉय ही समझ रहा है, स्टूपिड थिंग्स। देखते हैं आगे 7th एपिसोड में क्या होता है, लेकिन मिस्ट्री है बाबा, यहाँ कुछ धांसू मिस्ट्री जरूर कैरी कर रहा है ये वाला पार्ट। बाकी दूसरी तरफ डोना ने डेल की समाधि बना दी है, उधर रैंडल भी होश में आ चुका है और रिकवर कर रहा है, लेकिन भाई के चेहरा हुलिया खराब हो चुका है। वैसे रैंडल को बिल्डअप कुछ खतरनाक दिख रहा है मेकर की तरफ से, मुझे लगता है मेकर्स इसे उन क्रिएचर्स का हंटर बना सकते हैं। बाकी मैरी ने उसे क्लिनिक में शिफ्ट करने के लिए कह दिया है, ना कि उस बस में अकेले रहने को,
क्योंकि इतने बड़े क्लिनिक में सिर्फ क्रिस्टियन मैरी ही रहते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे ब्रेकडाउन वाली थ्योरी पार्ट में कि रैंडल का आगे क्या हो सकता है और भी ज्यादा पार्ट। एंड नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, टैबिथा एंड जेट का एक नई मिस्ट्री को ढूंढना, क्योंकि टैबिथा को दोबारा से अपने ही घर में वो फ्रीकी चिल्ड्रन दिखते हैं जो आंकुई आंकुई एक वो एंशिएंट वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब हेल्प मांगना है। तभी टैबिथा जेट के पास जाती है जो पहले ही और मिस्ट्री एंड पजल्स में उलझा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक ही बॉटल ट्री का डेटा था इसके पास, अब एक और बॉटल ट्री का डेटा इसके पास आ चुका है। जहाँ टैबिथा अपने बेटे ईथन को जेट के साथ इस पजल को सॉल्व आउट करने के लिए ज्वाइन कराती है, और वहीं टैबिथा उन एंशियंट स्टैचूज को स्केचेस को देखती है जो जेट ने बनाया है, जहाँ से जेड एंड कैनी वो फूड लेकर आए थे, फूड सप्लीमेंट्स। एंड टैबिथा सडनली रियलाइज करती है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, और बचपन में टैबिथा को एक नाइटमेयर बार बार आता था जब वो अपने आप को उसी प्लेस में जहाँ जेड घूमकर आ चुका है, वो तीन लाल पत्थर सर्कल वाला एंड वो एंशियंट वियर्ड स्टैचूज दिखते थे उसे। तो अब यहाँ से कुछ तो क्ल्यू निकले वाला है, क्योंकि जेड एंड टैबिथा दोनों ही उस जगह के बारे में जानते हैं, और कुछ तो लूपहोल ये इस पार्ट से निकाल ही लेंगे, और पक्का ये लोग वहाँ निकलने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में तैयार हैं। तो देखते हैं उस वाले पार्ट में क्या मिल सकता है, हमें कोई रास्ता मिलेगा या नहीं। बाकी इस मिस्टीरियस प्लेस को तोड़ने के लिए तीन फेसेस पर रास्ता ढूंढने की कोशिश चल रही है, एक विक्टर एंड हेनरी वाले पार्ट में, एक वो मुर्दा लड़की का एल्जिन से मदद मांगने वाले पार्ट में, और एक जेड एंड टैबिथा वाले पार्ट में। देखते हैं पहले कहाँ से रास्ता निकलता है। एंड तुम किस पार्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बता देना। इस एपिसोड को भी आपने देख लिया है तो आपकी तरफ से कौन सी मिस्ट्री थिंग्स हिट हुई है ये भी जरूर बता के जाना। बाकी की बातें ब्रेकडाउन थ्योरी वाले पार्ट में करेंगे, जहाँ कुछ एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे एंड जो हिडन डिटेल्स एंड क्ल्यू छोड़ कर गए हैं उस पर एक थ्योरी सेट करेंगे कि क्या हो सकती है आगे कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।